अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस किस वक्त डिफाइन होता है और किस वक्त डिफाइन नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो मुश्किल नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन है और किस कंडीशन में दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो अनडिफाइन है। देखते हैं जी, हमने देखना है कि किस कंडीशन में जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस डिफाइन है। उसके लिए हमें लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है ए, उसका जो मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यूज हैं वो है 1, 2, 3 एंड 4। मैट्रिक्स बी है मेरे पास 3, 4, 5 एंड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस का साइज चेक करना है कि क्या है, या ऑर्डर चेक करना है क्या है। साइज ऑफ मैट्रिक्स ए है, साइज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 बाय 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। साइज ऑफ मैट्रिक्स बी, इसका साइज जो है बी मैट्रिक्स का वो भी 2 बाय 2 है। आपने साइज ऑफ मैट्रिक्स ए लिख लेना है पहले, थोड़ी स्पेस छोड़ के साइज ऑफ मैट्रिक्स बी लिख लेना है। अब हमें पता है कि ये मैट्रिक्स के साइज में ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी का साइज है। अगर मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हुए मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो डिफाइंड होगा, कि हम वो प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और उसका ऑर्डर जो होगा, जो आउटसाइड वाले दोनों नंबर्स हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो ऑर्डर हमें हासिल होगा वो ऑर्डर हमारे प्रोडक्ट का होगा। अगर हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी के इक्वल ना होंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट अनडिफाइंड होगा, उसको हम प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं जी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी मैट्रिक्स है हमारा 7, 8, 9 एंड 10। अब साइज ऑफ ए इधर लिख लेते हैं जी, साइज ऑफ मैट्रिक्स ए इधर लिखते हैं जी साइज ऑफ मैट्रिक्स बी। साइज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। साइज ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी की इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये अनडिफाइन है, इसका प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, तो ये प्रोडक्ट जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपने ज़हन में रखना है कि जब ए मैट्रिक्स के साइज और बी मैट्रिक्स का साइज फाइंड करने के बाद मैट्रिक्स ए के साइज में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के साइज में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएंगे, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होगा वो डिफाइन होगा। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होंगी तो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो अनडिफाइन होगा। जी, तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो किन कंडीशंस में डिफाइन होता है और किन कंडीशंस में अनडिफाइन होता है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।